तो वो अरे आज हम लोग मॉडल सेट टू करेंगे केमिस्ट्री का। मॉडल सेट वन हम लोग ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं दो लेक्चर में। आज हम लोग वो अरे मॉडल सेट टू पर बात करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो अरे अगर हम एक चीज़ आपको कहना चाहते हैं कि वो अरे अगर हम बात करें किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने का, तो वो अरे आप लोग तो जान ही रहे हो कि रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है, इसके लिए एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अरे आप लोग जब लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को ना, तो ये वो अरे हमको एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी देता है, ये हमको एक्टिवेट करता है और ज़्यादा बेहतर से बेहतर वीडियो लेक्चर बनाने के लिए प्रेरित करता है वो अरे। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपका एग्जाम और ज़्यादा कैसे बेहतर हो पाए। तो वो अरे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लेक्चर को लाते रहें वो अरे। तो चलिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और इसी उम्मीद के साथ चलिए बुआरे हम लोग अपने वीडियो लेक्चर के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में बुआरे सेट टू का हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 के लिए मूव करते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी योगात्मक बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण पर बुआरे हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो वो अरे अगर हम एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात करें, योगात्मक बहुलीकरण की बात करें, तो इसमें होगा वो अरे कि मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन करके पॉलीमर बनाएगा और किसी तरह का बाय प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट को इलिमिनेट नहीं करेगा। यानी इस तरह के बहुलीकरण में बुआरे देखो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया है बुआरे कि जब एकलक संयोग करके बहुलक का निर्माण करें तथा किसी प्रकार के अणुओं का विलोपन नहीं हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक बहुलक कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, योगात्मक बहुलीकरण कहलाती है। यानी ये पॉलीमर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट एडिशन ठीक ऑफ मोनोमर्स विदाउट द इलिमिनेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। यानी कहने का मतलब है कि यहां सिंपली मोनोमर यूनिट गेट लिंक टू फॉर्म पॉलीमर विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी बाय प्रोडक्ट। यहां पर मोनोमर यूनिट बुआरे क्या होता है, कंबाइन करता है, लिंक करके क्या बनाता है, पॉलीमर बनाता है, और इसमें किसी भी तरह के बाय प्रोडक्ट का इलिमिनेशन नहीं होता है, बाय प्रोडक्ट का विलोपन नहीं होता है। तो ये बुआरे हमारा एडिशन पॉलीमर हो जाएगा। आप एग्जांपल्स की अगर बात करो तो पॉलीथीन, अगर इथिलीन को हम लोग पॉलीमराइज करते हैं तो पॉलीथीन, तो ये पॉलीथीन क्या हो गया, एडिशन पॉलीमर हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, टेफ्लॉन हो गया, तो ये सब वारे एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल को कर लेते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखो वारे, ये इथिलीन है, ये इथिलीन है, अगर हम इसके एन मॉलिक्यूल को लेकर के पॉलीमराइज्ड करते हैं वारे, इसका पॉलीमराइजेशन अगर हम करते हैं, तो पॉलीथीन बनेगा, ठीक है। तो बुआरे इसके रिपीटिंग यूनिट को हम लोग देख लेते हैं, रिपीटिंग यूनिट बनाने के लिए बुआरे ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये बुआरे रिपीटिंग यूनिट है, और इस तरह से ढेर सारा यूनिट इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो बुआरे हम लोगों का पॉलीथीन बन जाएगा, तो ये बुआरे पॉलीइथिलीन है। तो ये बुआरे इथिलीन का मोनोमर हो गया, यानी कि रिपीटिंग यूनिट हो गया, और जब इस इथिलीन का हम लोग पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीइथिलीन बनेगा और ये बुआरे हमारा पॉलीमर हो गया। तो ये बुआरे एडिशन पॉलीमर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं एडिशन पॉलीमर है ना, समझ में आ गया होगा बुआरे आप लोगों को। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि यदि एकलक इकाई आपस में जुड़कर आपस में संयोग करके बहुलक का निर्माण करे और किसी प्रकार के बाय प्रोडक्ट का, बाय प्रोडक्ट अणुओं का विलोपन नहीं हो, तो इस तरह के बहुलक को बुआरे हम लोग योगात्मक बहुलक कहते हैं, और यह प्रक्रिया जो होती है योगात्मक बहुलीकरण या योगात्मक बहुलीकरण कहलाती है। तो बुआरे हम लोग एडिशन पॉलीमर पर बात कर लिए, योगात्मक बहुलक पर, और योगात्मक बहुलक की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि एकलक आपस में संयोग करके बहुलक बनाता है और किसी प्रकार के बाय प्रोडक्ट का इलिमिनेशन नहीं होता है, बाय प्रोडक्ट का या साइड प्रोडक्ट का विलोपन नहीं होता है बुआरे। इसका बहुत सारा एग्जांपल बुआरे हम लोग ले सकते हैं,
इथिलीन से पॉलीथीन का, इथिलीन को अगर हम पॉलीमराइज करें या इथिलीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन का बनना, विनाइल क्लोराइड का अगर पॉलीमराइजेशन करें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा, वो आ रही, इसको हम लोग पीवीसी के नाम से जानते हैं। टेट्राफ्लोरोइथिलीन का अगर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन बनेगा, जिसको हम लोग टेफ्लॉन कहते हैं। स्टायरीन का अगर पॉलीमराइजेशन करा दें तो पॉलीस्टायरीन बनेगा। तो बुआरे एडिशन पॉलीमर का बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। तो चलिए बुआरे हम लोग संघनन बहुलक को समझ लेते हैं। तो एक्चुअली संघनन बहुलक की अगर बात करें, कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करें, तो इसमें बुआरे एकलक संयोग करके बहुलक बनाता है, लेकिन इसमें सिंपल मॉलिक्यूल, सरल अणु जैसे कि जल, अमोनिया, HCl, अल्कोहल इत्यादि अणु का क्या होता है बुआरे, विलोपन होता है। आप डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जब एकलक संयोग करके बहुलक का निर्माण करें तथा छोटे छोटे अणु जैसे जल, HCl, अमोनिया, अल्कोहल इत्यादि का विलोपन हो, तो इस तरह के बहुलक को बुआरे हम लोग संघनन बहुलक का नाम देते हैं, और यह प्रक्रिया कहलाती है संघनन बहुलीकरण। यानी मोनोमर इसमें क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर देन टू मोनोमर्स विद द एलिमिनेशन ऑफ साइड सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया, वाटर, HCl, अल्कोहल एटसेट्रा, ठीक है, इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, आर कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, एंड दिस इवेंट इज नॉन एज बुआरे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एकदम हम उम्मीद करते हैं ये संघनन बहुलक बुआरे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से गौर कीजिएगा कि इसमें क्या होता है बुआरे, एकलक यानी मोनोमर यूनिट गेट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक अमोनिया, वाटर, HCl, अल्कोहल एटसेट्रा, ठीक है बुआरे। और इस तरह का जो पॉलीमर होगा बुआरे, हम उसको कंडेंसेशन पॉलीमर का नाम देंगे, संघनन बहुलक का नाम देंगे, और यह प्रक्रिया संघनन बहुलीकरण कहलाएगी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाएगी। तो बुआरे इसके एक एग्जांपल को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो बुआरे इसका एग्जांपल बुआरे नाइलॉन 66 बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। तो आप लोग सबको पता होगा बुआरे, अगर नाइलॉन 66 की बात करें तो इसका मोनोमर जो होता है बुआरे, हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडीपी एसिड है। अगर हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडीपी एसिड को पॉलीमराइज कराए तो बुआरे नाइलॉन 66 बनता है, और ये कंडेंसेशन पॉलीमर का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये बार बार बुआरे पूछा जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो बुआरे अगर हम हेक्सामिथिलीन डायमीन की बात करें तो ये देखिए बाबूरे, हेक्सामिथिलीन CH2 होल 6, और ये देखिए NH2, ये हेक्सामिथिलीन डायमीन। और अगर एडीपी एसिड की बात करें तो बुआरे एडीपी एसिड क्या होगा, CH2 होल 4 COOH, ये बुआरे आपका एडीपी एसिड है। गौर कीजिएगा, ये हेक्सामिथिलीन डायमीन है, हेक्सामिथिलीन डायमीन, और ये बुआरे एडीपी एसिड है। तो चलिए हम लोग बुआरे नाइलॉन 66 के रिपीटिंग यूनिट को बना लेते हैं, इसका भी एन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसका भी एन मॉलिक्यूल ले लेते हैं बुआरे। होगा क्या, ये एच और ये ओ एच, वाटर बाहर निकला, एन मॉलिक्यूल, ये भी एच और ये भी ओ एच, ठीक है, ये ओ एच यानी बुआरे वाटर बाहर निकल गया। अब देखिए बुआरे आपके पास क्या बचा है, एन एच, ये बॉन्ड तो खाली हो गया। अब ये CH2 होल 6, अब यहां क्या बचा बुआरे, NH, ठीक है। अब ये OH और H तो बाहर निकल गया, इस CO को बुआरे यहां पर जोड़ दीजिए, CH2 होल 4, और ये CO, ये बुआरे रिपीटिंग यूनिट हो गया। इसको सीधा करके लिख देते हैं NH2। तो बुआरे ये रिपीटिंग यूनिट हो गया नाइलॉन 66 का, यानी कि जब हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडीपी एसिड का बुआरे हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो नाइलॉन 66 बनेगा, और ये नाइलॉन 66 का, ठीक है बुआरे, रिपीटिंग यूनिट है। देखिए कैसे बना, ये एच और ओ एच, वाटर के रूप में बुआरे बाहर निकल गया, और फिर ये एच और ओ एच निकलने के बाद ये यहां से जुड़ गया, फिर ये एच
ये OH, ठीक है, बाहर निकला बुआरे, इधर भी खाली और इधर भी खाली, ठीक है। तो इस तरह से बुआरे ढेर सारा रिपीटिंग यूनिट जुड़ करके नाइलॉन 6-6 देगा बुआरे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोनोमर जुट रहा है, इसमें दो डिफरेंट मोनोमर है बुआरे, हेक्सामिथिलीन डायमीन और ये एडीपिक एसिड है, और ये दो अलग अलग मोनोमर है बुआरे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों कंडेंस कर रहा है, दोनों कंबाइन कर रहा है और वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट कर रहा है एज ए बाय प्रोडक्ट। तो बुआरे ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर का एक एग्जाम्पल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप संघनन बहुलक और योगात्मक बहुलक को बहुत अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो फिर से एक बार गौर कर लीजिए कि योगात्मक बहुलक में बुआरे एकलक इकाई आपस में संयोग करके बहुलक तो बनाता है, पॉलीमर तो बनाता है, लेकिन किसी तरह का बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है इसमें। लेकिन अगर कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करें, संघनन बहुलक की बात करें, तो इसमें योगा है ना, एकलक इकाई आपस में जुड़कर बहुलक बनाता है और इसमें सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि जल, अमोनिया, HCl, अल्कोहल इत्यादि का क्या होता है बुआरे, विलोपन होता है, इलिमिनेशन होता है। तो चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुआरे क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, कह रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एंटासिड्स और डिसइंफेक्टेंट्स है, यानी कि प्रति अम्ल और विसंक्रामक। बुआरे एंटासिड्स पर हम लोग पिछले सेट में डिस्कशन कर चुके थे, तो हम ऑलरेडी आपको बुआरे पहले ही बता चुके थे कि अगर पेट में एसिडिटी हो जाए तो ऐसे कंडीशन में बुआरे हम लोग इसको है ना न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं, जिस मेडिसिन का यूज करते हैं, उसको बुआरे हम लोग एंटासिड्स का नाम देते हैं। यानी कि वैसा रसायन जो पेट के अम्लीयता को कम करता है या खत्म करता है क्या कहलाता है बुआरे, प्रति अम्ल कहलाता है। यानी इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में कि दिज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच रिमूव्स द एसिडिटी ऑफ स्टोमेक इज नॉन एज एंटासिड्स। बुआरे अगर हम एंटासिड्स के एग्जांपल की बात करें तो हम पहले बताए थे कि ये जो एंटासिड्स होता है बुआरे बेसिक नेचर में होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल में आप सोडियम बाइकार्बोनेट लिख सकते हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो। बुआरे ऑलरेडी हमने सेट वन में डिस्कशन कर रखा है, ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं आप सेट वन तो देखे ही होंगे, ठीक है। तो वहां से स्क्रीन शॉट लेकर के बुआरे इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। इसका जो अगला क्वेश्चन है बुआरे डिसइंफेक्टेंट्स, तो चलिए उसके लिए मूव करते हैं हम लोग। तो बुआरे विसंक्रामक की अगर बात करें, डिसइंफेक्टेंट्स की बात करें बुआरे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बुआरे आप लोग एंटीसेप्टिक तो पढ़े होंगे, दोनों का फंक्शन कुछ मिलता जुलता है। अगर बुआरे स्किन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, स्किन से जीवाणु को अगर ख़त्म करना है बुआरे, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बुआरे फर्श को, सैनिटरी फिटिंग्स को, ठीक है, या क्लोथ्स को अगर स्टेरिलाइजेशन करना है, विसंक्रमण करना है, तो ऐसे कंडीशन में बुआरे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स का, विसंक्रामक का। तो बुआरे आप कह सकते हो विसंक्रामक के, ठीक है, को डिफाइन कर सकते हो कि वे रसायन जो जीवाणुओं को या सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट करता है। गौर कीजिएगा कि बुआरे ये विसंक्रामक वैसा रासायनिक पदार्थ है जो जीवाणु या सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट करता है। इसका प्रयोग बुआरे हम लोग जनरली बर्तनों, फर्श तथा विभिन्न प्रकार के उपकरणों के विसंक्रमण में किया जाता है, और इसको कभी हम लोग लिविंग टिश्यू पर, जीवित उत्कों पर कभी प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ठीक है त्वचा पर इसके प्रयोग से जो है ना, ठीक है, त्वचा पर इसका प्रयोग बुआरे बहुत ही हानिप्रद होगा, बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो यही बुआरे हम लिखे हैं कि यह जीवित उत्कों के लिए हानिप्रद है, अतः इसका उपयोग त्वचा पर नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। यहां पर भी देख लीजिए इंग्लिश में डेफिनेशन, कह रहा है दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच किल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इमीडिएटली आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स, एंड जनरली डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ क्लोथ्स, सैनिटरी फिटिंग्स, फ्लोर्स एटसेट्रा। तो देख लीजिए बुआरे कह रहा है कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच किल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इमीडिएटली आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट एंड दीज आर यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ क्लोथ्स, फ्लोर्स, सैनिटरी फिटिंग्स एटसेट्रा। ठीक है, तो जनरली बुआरे इस डिसइंफेक्टेंट्स या विसंक्रामक का हम लोग उपयोग क्या चीज के लिए करते हैं, क्लोथ्स के विसंक्रमण के लिए, फ्लोर्स के विसंक्रमण के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए, या सैनिटरी फिटिंग्स के स्टेरिलाइजेशन के लिए। और अगर हम लोग बुआरे इसके एग्जांपल्स की बात करें, तो कुछ एग्जांपल्स को आप देख लीजिए, फिनॉल लिख सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर लिख सकते हो,
मिथाइल फिनॉल लिख सकते हो, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल बुआ रहे आप लोग लिख सकते हो विषंक्रामक का यानी डिसइंफेक्टेंट का। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल सा टर्म है बुआ रहे। तो बुआ रहे हम लोग केमिस्ट्री मॉडल सेट टू में सेक्शन ए और सेक्शन बी तो कर लिए। सेक्शन सी में जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 3 का जवाब करना है। तो चलिए बुआ रहे सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। कह रहा है द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है बाबू ने ये टेबल दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है। तो ये जो खाली जगह दिख रहा है बुआ रे आपको ये भरना है। तो चलिए इस सवाल पर हम लोग मूव करते हैं बुआ रे। तो सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, कंसीडर कीजिए रिएक्शन। इसमें एक्चुअली है क्या बुआ रे, ए और बी के रिएक्शन से फर्ज कीजिए कोई प्रोडक्ट पी बन रहा है। तो आप लोग जैसा हम लोग जान रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन ए के रेस्पेक्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, और बी के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। तो ए के कंसंट्रेशन पर पावर 1 होगा और बी के कंसंट्रेशन पर पावर 0 होगा। फाइनली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर इक्वल टू के, प्रोपोर्शन साइन गया, एक रेट कांस्टेंट आ गया के ए, और बी पर पावर 0 है तो ये तो 1 ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ से आप रेट कांस्टेंट निकाल लीजिए बाबू रे, कि क्या हो जाएगा, आर बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो आर का वैल्यू क्या है बुआ रे, आप देख लीजिए आर का वैल्यू क्या है, 2.0 × 10⁻², और डिवाइडेड बाई क्या है, 0.1 है। तो ये बुआ रे हमारा किसका वैल्यू आ गया, ये हमारा आ गया कांस्टेंट के का वैल्यू। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², या इसको आप 0.2 पर मिनट भी लिख सकते हो, 0.2, ठीक है यूनिट डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा बुआ रे हमारा कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग को बुआ रे करना क्या है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट टू में देखिए बुआ रे, एक ठीक है निकालना है, ए के कंसंट्रेशन को निकालना है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट 1 के लिए हम लोग मूव करते हैं बुआ रे एक्सपेरिमेंट 1। तो बाबू रे हम लोग यहां पर क्या जान रहे हैं, है ना, हम लोग जान ही रहे हैं आर इक्वल टू के और ए, कांस्टेंट के का वैल्यू तो हमारे पास आ ही गया है। तो फाइनली हमको अगर ए का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, आर बाय क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट टू के लिए हमारा आर क्या है, इनिशियल रेट क्या है, 4.0 × 10⁻², है और डिवाइडेड बाय के का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं बुआ रे, के का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 0.2। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली ये आ जाएगा, ठीक है, 0.2 मोल पर लीटर, क्या आ जाएगा, 0.2 मोल पर लीटर। तो बुआ रे एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहां ए का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0.2 मोल पर लीटर। तो चलिए इस जगह पर हम भर देते हैं 0.2। तो इसको बुआ रे हम लोग 2 × 10⁻², भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको लिखना है, जो यहां फिल करना है फिल कीजिए। अब हम लोग बुआ रहे एक्सपेरिमेंट 3 के लिए मूव करते हैं। एक्सपेरिमेंट 3 गौर कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट 3 प्रयोग 3 को आप देखिए, इसमें बुआ रहे हम लोगों को क्या करना है, इनिशियल रेट निकालना है। तो यहां पर भी सेम तरीके से चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा बुआ रहे, आर इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ ए तो जान ही रहे हैं, के का वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए शुरू में ही, 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², निकाले हैं, और ए का कंसंट्रेशन बुआ रे हमारा क्या है, ठीक है एक्सपेरिमेंट 3 में देख लीजिए कितना है, 0.4 है, 0.4 है। तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻², ठीक है। तो ये बुआ रे आप देख लीजिए 2 × 10⁻², ये के का वैल्यू हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए बुआ रे 0.4 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए
तो 8 × 10⁻²² होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बुआरे फील कर देंगे 8 × 10⁻²। चलिए एक्सपेरिमेंट 3 का भी काम हो गया बुआरे, एक्सपेरिमेंट 4 के लिए देख लेते हैं। अब हमारा एक्सपेरिमेंट 4 के लिए तो यहां पर क्या करना है बुआरे, एकक कंसंट्रेशन निकालना है, बस सेम तरीका यूज कीजिए। आप जान ही रहे हो R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A होता है, तो हमको कंसंट्रेशन ऑफ A चाहिए यहां पर, तो R बाय क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। यहां R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.0 × 10⁻², डिवाइडेड बाय K का वैल्यू बुआरे हम लोग पहले ही कर चुके हैं 2 × 10⁻¹। तो फाइनली जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.1 होगा। तो बुआरे ये ए का कंसंट्रेशन हमारा 0.1 हो गया। तो सवाल बुआरे काफी आसान है, 5 मार्क्स के लिए ये सवाल है, काफी आसान है। तो चलिए इसका बुआरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुआरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है राइट द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स, निम्नलिखित बहुलकों के लिए एकलकों का नाम लिखिए। पहला है ब्यूनाएस, दूसरा ब्यूनाएन, तीसरा है डेक्रॉन, चौथा है बैकेलाइट और पांचवा है न्यूप्रीन। काफी आसान क्वेश्चन है रे बाबू रे, काफी आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो बाबू रे अगर हम लोग ब्यूना एस के मोनोमर यूनिट की बात करें तो इसका मोनोमर होता है बुआरे, ठीक है, 1,3-butadiene एंड 1,3-butadiene एंड स्टाइरीन, 1,3-butadiene और स्टाइरीन। ब्यूना एन का क्या होगा बुआ रे, इसमें भी 1,3-butadiene तो होगा ही। उसके बाद बुआ रे हो जाएगा प्रोप 2-ene-nitrile, प्रोप 2-ene-nitrile या प्रोप 2-ene-1-nitrile भी लिख सकते हैं। डेक्रॉन को बुआ रे हम लोग टेरलीन भी कहते हैं, और इसका जो मोनोमर होता है बुआ रे वो होता है इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड। केवल मोनोमर याद रखना है बुआरे, पॉलीमर चैप्टर में ये पूरा डिटेल करके बुआरे करवाए हुए। बेकेलाइट का बुआरे फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड होगा, और अगर आप नियोप्रिन की बात कीजिए तो क्लोरोप्रिन होगा, जिसका यूपैक नेम होता है बुआरे 2-chloro-1,3-butadiene, 2-chloro-1,3-butadiene, या इसको हम लोग क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। एक बार फिर से ध्यान से देखिए बुआरे, ये जो ब्यूना एस है इसका एकलक यूनिट बुआरे 1,3-butadiene और स्टाइरीन होगा। ब्यूना एन की अगर बात करें तो इसका भी ब्यूटाडाइन और प्रोप 2-ene-nitrile होगा। डेक्रॉन या टेरेलिन के लिए इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड होगा। बेकेलाइट के लिए फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होगा मोनोमर, और बुआरे नियोप्रिन के लिए 2-chloro-1,3-butadiene या क्लोरोप्रीन होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, बुआरे 5 कंपाउंड दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करना है। H2S2O7 जिसको हम लोग ओलियम भी कहते हैं, HCF4 है, CLF3 है, IF7 है, HClO3 है। तो चलिए देखते हैं, केवल स्ट्रक्चर बुआरे ड्रॉ करना है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर देना है। H2S2O7 है, गौर कीजिएगा बुआरे, ये सेंट्रल एटम यहां पर भी एस होगा, H2S2O7 है बुआरे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा केवल, ठीक है। यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच देख रहे हैं डबल बॉन्ड है बुआरे, ठीक है। अब यहां पर ये OH होगा, अब एक सल्फर और ड्रॉ कीजिए, यहां पर भी कुछ और यहां पर भी डबल बॉन्ड लेकर के चलिए OH कर देते हैं। H2S2O7 वो तो 6 हो गया, और एक जो O एटम है, ठीक है, वो ब्रिज की तरह बुआरे काम करेगा। थोड़ा सा इसको ऐसा करके लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। तो ये बुआरे आपका H2S2O7 हो गया, इसको थोड़ा सा ठीक है। तो ये बुआरे आपका H2S2O7 हो गया।
अगला है वो अरे XEF4, दो नंबर लिखिए XEF4, XE है वो अरे इसके साथ चार F एटम, XE सेंट्रल एटम हो गया और ये दो लॉन पेयर वो अरे, ठीक है। तो ये हो गया बुआ रे आपका XEF4। तीसरा है बुआ रे CLF3, गौर कीजिए CLF3, ये तीन हो गया तो दो लॉन पेयर टी शिफ्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये बुआ रे आपका CLF3, ठीक है। इसके बाद बुआ रे आपका है IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड पेंटागोनल बायपायरामिडल, इसका सेफ होता है हाइब्रिडेशन तो sp3d2 होता है, ठीक है सॉरी sp3d3 होता है। ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल आप सेफ लिखिए IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो आई सेंट्रल एटम बुआ रे, ये IF7 हो गया बुआ रे। पांचवा बुआ रे आपका कह रहा है HClO3, पांचवा यहां लिख देते हैं Cl बुआ रे सेंट्रल है, सेंट्रल HClO3, इसमें बुआ रे Cl आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है। इसमें कुछ स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ कीजिए डबल बॉन्ड के साथ, यहां पर भी डबल बॉन्ड के साथ O और यहां पर OH डाल दीजिए। तो ये बुआरे आपका H2O H2O7 हो गया, ये XEF4 का स्ट्रक्चर हो गया, ये CLF3 का स्ट्रक्चर हो गया, ये IF7 हो गया, ठीक है। ये पेंटागोनल बायपायरामिडल है बुआरे, ठीक है, और ये आपका HClO3 हो गया। तो ये बुआरे आपका H2S2O7 का स्ट्रक्चर हुआ, ये XEF4 का स्ट्रक्चर हुआ, ये CLF3 का स्ट्रक्चर हो गया, ये IF7 का स्ट्रक्चर हो गया, ये HClO3 का स्ट्रक्चर हो गया। बुआरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुआरे, पिछले सेट में भी हम लोग कुछ स्ट्रक्चर किए थे, सारे स्ट्रक्चर को आप बुआरे बेहतर तरीका से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। आप प्रत्येक साल का क्वेश्चन बैंक देख लें, इसमें प्रत्येक साल, ठीक है, स्ट्रक्चर लिखने के लिए पूछा जाता है, इसमें और कुछ आपको एक्सप्लेन करना नहीं है, केवल स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लें। और बुआरे डिटेल से ये सारा चीज़ हमने बुआरे पी ब्लॉक में आपको पूरे डिटेल से पढ़ाया है, अगर आपको देखना है तो पी ब्लॉक का नोट्स निकाल करके रिवीजन कर ले। तो चलिए बुआरे बिना समय गवाए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बुआरे, कह रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। HVZ रिएक्शन है, हेल्होल्ट्ज़ जेलिन्स की रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है और क्लीमेंसन रिडक्शन है, क्लीमेंसन अपचयन है। तो चलिए पहले HVZ रिएक्शन पर हम लोग बात कर लेते हैं। HVZ, तो क्वेश्चन नंबर कितना है बुआ रे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, क्वेश्चन नंबर है 18, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है बुआ रे, HVZ रिएक्शन, हेल्होल्ट्ज़ जेलिन्स की। गौर कीजिएगा बुआ रे, इसमें होता एक्चुअली क्या है कि ये एसिटिक एसिड है ये बुआ रे, और इसका रिएक्शन अगर हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, ये एसिटिक एसिड है बुआ रे, आप जान ही रहे हो कि ये कार्बन अल्फा कार्बन है और ये तीन अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेसिबल होता है। तो जब इसका हम रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में तो क्या होगा बुआ रे, देखिए एक H एक Cl के साथ बाहर, ठीक है। अब जहां से H हटा बुआ रे, एक एक करके तीनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा बुआ रे, तो यहां पर बुआ रे आपका क्या हो गया, एक Cl आ गया और ये बुआ रे आपका मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड बन गया, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर अगला स्टेप में भी फिर वैसा ही चलेगा बुआ रे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, ठीक है। फिर क्या होगा, ये एच एक सीएल के साथ, सीएल एटम के साथ बाहर, और इस बार बुआ रे यहां पर भी एक सीएल आ गया और ये आपका बन गया डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। और फिर आप इसको बुआ रे सीएल टू के साथ फिर रिएक्शन करा दें, फिर ये जो लास्ट एच ये भी हट जाएगा और उस जगह बुआ रे सीएल आ गया और फाइनली बुआ रे आपका ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड बन गया। ठीक है, तो
तो आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद सीएल टू इन प्रेजेंस ऑफ रेड पी देन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड डाइक्लोरोसिटिक एसिड इन ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड ठीक है आर प्रोड्यूस्ड रेस्पेक्टिवली एंड दिस इज कॉल्ड एच वी जेड रिएक्शन यानी कि जब एसिटिक एसिड की अभिक्रिया हम सीएल टू के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं तो क्रमशः मोनोक्लोरोसिटिक एसिड डाइक्लोरोसिटिक एसिड और ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड वारे बनेगा और ये हमारा एच वी जेड रिएक्शन होगा। काफ़ी आसान है तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बी नंबर बुआरे हम लोग का एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया है, बहुत ही आसान रिएक्शन है बुआरे। इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं कॉन्केस्टोसोफोर के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, सिंपली वाटर बाहर निकलता है और एस्टर बन जाता है बुआरे, एस्टर बन जाता है और ये हमारा एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है। ठीक है, आर के जगह आप यहाँ सी एस थ्री लेंगे तो एसिटिक एसिड यहाँ इथाइल एसिटेट बनेगा, सी सिक्स एच फाइव लेंगे तो यहाँ बेंजोइक एसिड होगा यहाँ पर, ठीक है इथाइल बेंजोइट होगा। तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो ये एसिटिक एसिड बुआरे और यहाँ पर हम आर के जगह सी टू एच फाइव ले लेते हैं तो ये इथाइल अल्कोहल बुआरे। तो फिर वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और आपका प्रोडक्ट बुआरे इथाइल एसिटेट हो गया। काफ़ी आसान रिएक्शन है और सभी बच्चे हम उम्मीद करते जान ही रहे होंगे तो, लेकिन फिर भी चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए वो आ रहे क्वेश्चन नंबर 18 का सी, हम लोग है ना क्लीमेंसन रिडक्शन को देख लेते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल सा रिएक्शन है बुआरे, जैसा कि आप जान रहे हो इसमें एल्डिहाइड या कीटोन का बुआरे रिडक्शन कराते हैं। एल्डिहाइड ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, रिडक्शन कराते हैं बुआरे किसके प्रेजेंस पे, जिंक मरकरी अमलगम लेते हैं, कंसनट्रेटेड HCl लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, और कंसनट्रेटेड HCl लेते हैं बुआरे। अब देखिए ये O2 H एटम के साथ बुआरे वाटर मिलकर वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल गया। अब आपके पास जो 2H बचा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये O2H के साथ वाटर ऐसे समझ लीजिए और 2H जो बचा है एक H यहाँ जोड़ दीजिए और एक H यहाँ, तो ये क्या बन गया बुआरे, अल्केन हाइड्रोकार्बन। अगर इसके एग्जाम्पल को करना है बुआरे, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है कि इसमें जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराएंगे ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में तो अल्केन बनेगा। तो यहाँ पर बुआरे फर्ज कीजिए R की जगह हम CH3 अगर ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बुआरे, एकदम सेम चलेगा, आर की जगह तो हमारा CH3 आ गया, ठीक है ये CH3, ये O2H के साथ बाहर निकला वाटर मॉलिक्यूल बुआरे और 2H एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ CH3 यानी ये आपका बुआरे इथेन बन गया, ठीक है। तो ये बुआरे एक क्लीमेंसन रिएक्शन है, इसको आप सिंपली लिख सकते हो जब एल्डिहाइड और कीटोन का अवकरण हम लोग बुआरे ZnHg और कंसनट्रेटेड HCl यानी सांद्र HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्केन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को हम लोग बुआरे क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस रिएक्शन को बुआरे आप कीटोन लेकर के भी समझ सकते हैं, अगर आप कीटोन लेकर के समझना चाहें तो इस एच को आर कर दीजिए बुआरे, ये कीटोन, सब कुछ तो सेम ही चलना है, यहाँ पर भी आर ही हो आर हो जाएगा और ये अल्केन बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आप CH3 कर दीजिए, एसीटोन या प्रोपेन टू ऑन जो लिखना है लिखिए, और यहाँ पर बुआरे प्रोपेन आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। अब दोनों एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको कोई एक ही लिखना है तो जो आपको लिखने का मन करे वो लिख लीजिए, ठीक है। हमने कीटोन को लेकर के भी इसको समझा दिया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बुआरे, यहां पर आपको निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। चलिए इसमें 5 क्वेश्चन बुआरे हमने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये एनिलीन है, ये क्लोरोफॉर्म है और ये KOH है, अल्कोहलिक KOH, ये बुआरे कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको समझिए कि यहाँ पर 3KOH है, आप ऐसे समझिए 3K के साथ 3Cl बुआरे यहाँ पर बाहर निकलेगा 3KCl, इसके बाद देख लीजिए 2H, एक 3H और 3OH, 3 वाटर मॉलिक्यूल भी बुआरे बाहर निकल गया और आपके पास अब ये C6H5N और ये C है, ये बुआरे आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड बन गया, ठीक है फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये बन गया पहला नंबर क्वेश्चन। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जिसमें एनिलीन का रिएक्शन बुआरे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर रहा है। तो बता दें बुआरे एनिलीन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट देगा,
अगर इसको हम 453 से लेकर 473 के टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो यहाँ पर बुआरे एक इंटरमीडिएट बनेगा, सल्फामिक एसिड, सल्फामिक एसिड बनेगा बुआरे, ठीक है। और फाइनली इसमें रीअरेंजमेंट होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बुआरे वो सल्फानिलिक एसिड होगा, जिसको हम लोग पारा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बुआरे, चलिए उसी को हम दिखा देते हैं। तो ये बुआरे NH2 और यहाँ पर SO3H, ये सल्फानिलिक एसिड है, या इसको हम लोग बुआरे पारा एमिनो बेंजीन सल्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं, जगह नहीं है तो चलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। एनिलीन और ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन का रिएक्शन बुआरे पिछले सेट में भी हम लोग कर चुके हैं और सबको पता है यहाँ पर 3HBr बाहर निकलेगा, 3 मॉलिक्यूल लेकर के बुआरे, और यहाँ पर हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा, ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये हम लोग बुआरे पिछले सेट में कर चुके हैं। तो ये बुआरे आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। फिनाइल आइसोसाइनेट 2 में बुआरे सल्फानिलिक एसिड बनेगा, 3 में आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। और चौथा क्वेश्चन देखिए बुआरे, एनिलीन और एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन है, आप इसको ऐसे समझिए कि एनिलीन NH2 है, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं बुआरे। अब आप देखिए ये CH और ये CH3COOH बाहर, ये एसिटिक एसिड बुआरे आपका बाहर। अब आपके पास क्या है, C6H5NH, देखिए एनिलीन का ये, अब ये COCH3 जुड़ गया बुआरे, ठीक है। अब देखिए गौर कीजिएगा इसका नाम, अगर CH3CONH2 होता तो ये एसिटामाइड होता और ये एक H के जगह फिनाइल आ गया तो इसका नाम हो गया बुआरे एन फिनाइल एसिटामाइड। तो बुआरे ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर है। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का इथाइल अल्कोहल के साथ बुआरे रिएक्शन है, इस रिएक्शन को भी आप ध्यान से देख लीजिए बुआरे। सबसे पहले इस N2 को बाहर कर लीजिए, ये Cl और एक H बाहर निकल जाएगा बुआरे, HCl। अब देखिए आपके पास क्या बचता है, C6H5, फिर ये O और ये C2H5, यानी बुआरे इथाइल फिनाइल इथर। तो ये बुआरे क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया बुआरे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतर तरीके से सेट 2 के सारे क्वेश्चंस को समझ लिए होंगे बुआरे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज़्यादा बेहतर काम करने का।